वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। सूरत के सचिन क्षेत्र के लाजपुर के पास एक गरीब परिवार की 17 वर्षीय लड़की का दो दिन पहले सचिन क्षेत्र में जो एक विधर्मी चार के पिता का अपहरण कर लिया था। जो एक विधर्मी जिसने जो चार बच्चों का बाप था और उसने 17 वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया। रोज भोजी वाला स्थित सचिन की कंपनी में अलग हुआ और आरोपी पर ऑटो रिक्शा काम करने लगा। इस दिन के दौरान विधर्मी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया। दो दिन पूर्व सुबह 8 बजे काम पर गई निकली युवती को जब घर नहीं लौटी तो पंचम परेशान हो गए। रात में देर से वह घर नहीं लौट पाई थी। 17 वर्षीय किशोरी की परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। परिजनों ने सचिन पुलिस में संपर्क किया। सचिन पुलिस ने तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चला कि सचिन की होजी वाला कंपनी में काम करने के लिए अब्दुल हमीद हाशिम के ऑटो रिक्शा से निकला था जो लाजपुर के जुमा मस्जिद के पास रहता है। इसलिए पुलिस ने अब्दुल हाशिम के घर की तलाशी ली लेकिन जब अब्दुल हाशिम अपने घर में ही नहीं मिला तो पुलिस का शक गहरा हो गया, जहाँ पुलिस ने तत्काल एट्रोसिटी एक्ट के धारा के तहत अपहरण मामला दर्ज कर मामले में जाँच शुरू कर दिया। जहाँ पिछले दो दिन से लापता बच्ची के साथ आरोपी अब्दुल हमीद हाशिम के पालघर से रवाना किया गया था, जहाँ से बच्ची को मुक्त कराया गया। आरोपी विधर्मी अब्दुल हाशिम को गिरफ्तार कर सूरत लाया गया। जब आरोपी को सूरत लाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी लड़की की प्रेम जाल में फंसा कर वहाँ ले गया। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र शेखावत है, समाज सेवक हूँ और हिंदू युवा संगठन दक्षिण गुजरात का प्रभारी। ये 4 दिन पहले जो मैटर हुआ था इसकी मुझे पता चली। हम लोग ने सभी ने मिल के काफ़ी कोशिश की इसके लिए। ये आरोपी पहले अजमेर कहीं लड़की को लेके गया था, 17 साल की नाबालिग बच्ची है, उसको अजमेर लेके गया। उसके बाद में काफ़ी इन्होंने मतलब स्थल बदले और ये परसों लगभग रात को या तो कल सुबह ये मुंबई में पकड़ाया गया, महाराष्ट्र में पकड़ा गया। हम सभी संगठन के जो लोग हैं आए हैं ACP सर और PI RR देसाई जी को अभिनंदन के लिए। और विशेष वस्तु ये है कि संगठन कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, हिंदुत्ववादी जो भी संगठन है वो सभी इस मामले में साथ में है कि लव जिहाद के जो मैटर है और इस तरीके से नाबालिग बच्चियों को जो लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके लिए हम जितने भी संगठन सब प्रतिबद्ध हैं कि ऐसी कार्रवाई हम हमेशा करते रहेंगे और आने वाले भविष्य में भी ऐसा कोई भी केस होगा उसके लिए हम सुदृढ़ और तैयार हैं। जय श्री राम। मैं सुरेश सिंह राजपूत, उड़ना जिला अध्यक्ष की जवाबदारी है विश्व हिंदू परिषद में। अभी लगभग 5-6 दिन पहले एक विधर्मी था अब्दुल हमीद, लाजपुर गांव का रहने वाला है, वो लगभग 4 बच्चे का बाप है। उसकी उम्र होगी लगभग 48 से 50 साल की उम्र होगी। वो एक नाबालिग लड़की 17 साल की लड़की को लेके फरार हुआ था। उसके में हम लोग ने PI साहब को आवेदन पत्र दिया था। PI साहब ने उनको कल धर पकड़ करके पालघर बम्बई से पकड़ कर लाए हैं उनको और कायदे से कार्रवाई की है। उसके लिए अभिवादन देने के लिए हम लोग के PI साहब को और ACP साहब को अभिवादन दिया। और आगे कोई भी लव जिहाद का केस हम लोग चलने नहीं देंगे। लव जिहाद कहाँ भी होगा हम लोग वहाँ घुस के उनको उनका जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। और अभी लव जिहाद का केस हम लोग बिल्कुल चलने नहीं देने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमको। मैं लव जिहाद अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं उधना जिला मातृशक्ति संयोजिका मीनाबेन मलिक, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई हूँ। और लव जिहाद के मैटर यहाँ सचिन में बहुत ज़्यादा हो गया, सचिन में क्या पूरा सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है और इसके लिए हम बहुत विरोध कर रहे हैं। और पुलिस वाले हम लोग के सब साथ सपोर्ट में हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग को अगर कहीं सार सपोर्ट अगर पुलिस वालों का नहीं मिला तो हम लोग खुद अपना हाथ से जो करना है वो हम लोग करेंगे, लेकिन अब के बाद हमारी बहू बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे हम। जय। देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे।